हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा 25 रोज़ा। नमाज़ दुआ के बाद ऐसे ऐसे नहीं करते, दुआ से पहले करते। पहले करती हो आप? हाँ, पहले ऐसे ऐसे करती हो दुआ से पहले? पहले करते हैं, देन नमाज ख़त्म होती है फिर दुआ करते, ठीक है? तो मेरी बेटी को थोड़ा बुखार जैसा हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने उठ के वजू किया है और नमाज पढ़ी है और मेरे बोले बिना, मैंने बोला भी नहीं था फिर भी किया। मेरी भी आवाज़ हल्की हल्की बैठी बैठी सी हो रही है। फिर जी, तो अब मैं फ्री होकर बैठी हूँ। ये देखिए, अलीशा का टैबलेट यहीं खुला रख कर चली गई है और मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ ली, असर की नमाज़ पढ़ ली और जोहर के बाद थोड़ा कुरान शरीफ भी पढ़ लिया था और अब मैं दोबारा से कुरान शरीफ पढ़ने बैठी हूँ। अलीशा का मदरसे का भी टाइम होने वाला है, थोड़ी देर में इफ्तारी भी हो जाएगी। और मैं अभी क्या कर रही थी, यहाँ बैठी हुई नीचे, कि मैंने अपना एक पुराना पर्स निकाला, वो पर्स जो मैं जब पाकिस्तान से यहाँ आई थी तो मैं वो लेके आई थी, और वो ब्लू कलर का, मुझे ब्लू कलर इतना बल्लू बोल रही हूँ, मुझे ब्लू कलर इतना पसंद है कि वो मैंने अभी तक अपना, जब का उसका एक हैंडल जो है ना हल्का सा टूटना शुरू हो गया, लेकिन वो पर्स मैंने अभी तक अपने पास रखा हुआ था ना, तो ऐसे ही मैंने निकाला ना, तो वो अब आपको पता है हमारे यहाँ काई का कितना मसला है, तो उस पर जो है ना गंदगी लग गई थी पर्स पर, तो मैंने कहा चलो यार मैं इसको धोती हूँ, और फेंकना अभी भी मुझे नहीं है वो बैग, तो मैंने कहा मैं इसको धोती हूँ, तो मैं वो खाली कर रही थी ना, तो उसमें से पता है क्या क्या निकला उसमें से, पता है 500 के 100, 20, 10 और 50 भी जो है ना रुपीज़ निकले, पैसे निकले पाकिस्तानी, यहाँ आते वक्त कुछ रखे थे अपने साथ तो वो अभी तक उसमें रखे हुए थे, और भी कुछ चीज़ें थीं और जो है ना बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें थीं, और कुछ वो भी निकली, एक तो पुरानी चीज़ें यहाँ की थी वो मैंने उसमें रखी थी, जब बालाज पैदा होने वाला था तो उसके जो स्कैन होते थे अल्ट्रासाउंड वगैरह होते थे उसकी पिक्चर्स भी थी उसमें, तो बड़ा एक वो हुआ कि यार कितनी पुरानी चीज़ें इसमें से निकली। और अलीशा को मैंने दिखाया ना, और एक 5 का ना कॉइन भी निकला ना, 5 रुपीज़ का, तो मैंने अलीशा को दिखाया, मैंने कहा अलीशा देखो ये जो है ना 5 रुपीज़ है, पहले तो मैंने लगा ये देखो 5 पाउंड है, मैंने कहा नहीं ये 5 रुपीज़ है, और फिर जब मैंने उसको नोट दिखाया तो कहने लगी मुझे ये 100 वाला दे दो, मैंने कहा नहीं तुम घुमा दो, कह रही नहीं मैं नहीं घुमाऊँगी मैं संभाल के रखूँगी, तो मुझसे जो है ना वो 100 रुपीज़ जो है ना ले गई है, तो अभी मैं उसको बुलाती हूँ और देखते हैं उसके पास है कि नहीं। अलीशा कम हियर, 100 रुपीज़ तो दिखाओ, कहाँ रखे हैं, भूल तो नहीं कहीं गई रख के, कहाँ है? अच्छा, संभाल के कबर्ड में अपने पर्स के अंदर रख दिए मैडम ने। और जल्दी से आ जाओ, आपकी कॉल का टाइम भी हो रहा है, जल्दी से जल्दी से, हाँ अभी टाइम हो गया ना, इतनी देर हो गई, तो अपने पर्स में से निकाल रही है और मुझे जो है ना दिखाएगी, अभी जल्दी लाओ। ये देखिए 5 रुपीज़, ये कितना ना गंदा हो गया है, ये गोल्ड वाला जो न्यू निकला था ना 5 रुपीज़ वो है, और ये तो पौंड दिखा रही, पौंड नहीं देखने हमने रुपीज़ देखना, हम तरसे में हैं, दिखाओ रुपीज़, ये देखें भाई 100 रुपीज़, आए हाय कड़क कड़क नोट, कितना टाइम हो गया इन पैसों को देखे हुए। आपको कैसा लगा, क्या रिएक्शन था आपका ये नोट देख के, आपको अच्छा लगा, अलग लगा, क्या लगा बताओ, जल्दी बताओ क्या लगा आपको, अच्छा लगा कि न्यू करेंसी आपके हाथ में, ये न्यू नहीं है ये ओल्ड है, नहीं मतलब अलग कंट्री की पैसे है ना, ये नानी ने भेजे, जहाँ नानी रहती है ना वहाँ के पैसे हैं ये 100 रुपीस। ओवर एक्टिंग। चलो जाओ ले सबको लेके बैठो, आज तक तारीख की वीडियो ही नहीं बना सके, और मैंने कबाब का रोल बना लिया और साथ में पकौड़े थे, थोड़े दही बड़े बचे थे वो भी, ये रोटी बना ली थी बस, ये जी इसको देखें कैसा बैठा हुआ अपना कार्टून देख रहा है। तो भाई हमारी इफ्तारी हो गई है, मैंने और अलीशा ने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली है, उसके बाद मैंने चाय रख दी है,
चाय बनेगी, चाय पियेंगे और बर्तनों का ढेर लग चुका है। दिखाती हूँ, देखें जी, फ्राई पैन, प्याले, प्लेटें, पतीलियाँ, मिक्सर, चम्मचे, ग्लास, पता नहीं क्या क्या निकला। मैंने सोचा मैं धो लेती हूँ, लेकिन नहीं भाई, हिम्मत तो ख़त्म हो चुकी है, तो मैंने सब साइड में कर दिए। अब थोड़ी देर के बाद उठ के धोऊंगी चाय पाय पीने के बाद, ठीक है। और ये कुछ धुले हुए हैं तो इनको जगह पर रखूँगी। तो चाय मैंने रख दी है, चाय भी रख दी है, ये आप देखें। और चाय पकेगी देन फिर हम जो है ना चाय पियेंगे। और आज हमारी बेटी की थोड़ी सी तबीयत लो है, तो कोई बात नहीं कर रही, बस ऐसे ही बैठी हुई है ना। गेम खेल रहे हो? पूरा छोड़िए, गाड़ी पूरा फंस गई बिहार में, ट्रैफिक हो गया। क्या हो गया आपकी तबीयत को? तबीयत खराब हो गई आपकी? गले में दर्द हो रहा है? और कहाँ दर्द हो रहा है? बॉडी में भी? पूरी बॉडी में? ओए होए, जुलम हो गया था, है ना? ओ मेरा बेटा। ओके जी, तो आज सैरी मैं बना रही हूँ सूजी की राब। इसको आप सूजी, दूध वाली सूजी भी बोल सकते हैं और सूजी की राब भी बोल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा घी ले लिया देसी घी, और उसके अंदर मैंने एक चम्मच इतनी जो है ना सूजी डाल दी, क्योंकि सिर्फ मुझे ही पीनी है। तो अब इसको मैं भून लूँगी। जब इसका हल्का सा कलर ब्राउन हो जाएगा ना, मतलब जलने वाला नहीं, हल्का सा गोल्डन ब्राउन, तब हम इसके अंदर फिर दूध डाल देंगे ना, और जितनी चीनी हमें चाहिए होगी हम उतनी चीनी डाल देंगे। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं डालूँगी, मैं आपको बताऊँगी वो चीज़ मैं क्या डाल रही हूँ, ठीक है ना। ओके, तब मैंने इसमें आधा कप दूध डाल दिया है और एक चम्मच इतनी चीनी डाल दी। और ये जो भी मैं डाल रही हूँ ये वही है जो मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया था। और मैं इसको पूरा पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा मैंने इसको दरदरा सा थोड़ा पीसेस में रखा था, क्या अगर मैं किसी चीज़ में भी पीऊँ तो मुँह में जो बादाम पिस्ता है वो बड़े टेस्टी लगते हैं। उसके बाद मैंने इसको इतना पकाया कि आप ये देख सकते हैं सूजी थोड़ी बहुत गाढ़ी हो गई है। अब बस इसको जो है ना गरम गरम पीना है, गरम गरम पिए या थोड़ा ठंडा करके पिए। तो मुझे ओके जी, तो सहरी अब बंद होने वाली है, तो मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूँ, कप पे पी रही हूँ, क्योंकि दो तीन गिलास धोने में थे और दो तीन गिलास इस लड़के ने धोने में। कितना शोर कर रहा है, मेरे जितने भी रोज़े गुजरे हैं। ओके, तो मैंने पानी पी लिया है। और मैं कह रही थी कि अभी आज जो है वो 26वां रोज़ा है, और 26 रोज़ों में कुछ 4-5 रोज़े ऐसे होंगे जिसमें ये नहीं उठा सहरी में, वरना ये हर सहरी में मेरे साथ उठा है और इसी तरह की मस्तियाँ खाना खाया है, इसी तरह की मस्तियाँ की, पूरी सहरी की है और सो गया है मेरे साथ साथ उठ के सहरी की है। और अभी देखें कैसे खेल रहा है। हाय गाइस, तो हम लोग उठ चुके हैं और आज जो है वो हमारे रमज़ान का आखिरी जुम्मा है और जुम्मतुल विदा भी है। तो बस अब हम रमज़ान जो है हमसे जुदा हो रहा है, और बस एक अलग सी कैफियत है। लेकिन ये है कि एक तरीके की खुशी भी है कि ईद आ रही है, लेकिन एक तरीके का दुख भी है कि रमज़ान जा रहा है। और ये उठ गई है, मैं भी उठ गई हूँ, और ये लड़का अभी तक सो रहा है। तो आज जो है वो जुम्मतुल विदा है, तो कुछ नए कपड़े निकालते हैं, वो पहनते हैं। अली भी कुछ नए कपड़े पहनेगी, मैं भी कुछ नए कपड़े पहनूंगी, एंड फिर जो है ना नमाज वगैरह पढ़ते हैं। ओके जी, तो अलीशा ने निकाला है अपना ये ड्रेस जो अलीशा ने लास्ट ईद पे पहना था, हाँ आई थिंक। और मेहरून कलर का है, और ये फ्रॉक टाइप है, इसका पजामा और दुपट्टा भी है। और मैंने निकाला है अपने लिए ये वाला ड्रेस, ये भी मैंने 2-3 साल पहले ईद पे पहना था, अम्मी ने मुझे पाकिस्तान से भेजा था सिलवा के, और बस वो एक दफ़ा ईद पे पहना है, उसके बाद मैंने अभी तक नहीं पहना इसको। और इतना प्यारा कलर, मैं हमेशा सोचती हूँ कब पहनूँ कब पहनूँ, तो आज टाइम आ गया। और ये ऐसा है कि इसकी स्लीव्स पे जो है वो लेस लगी है, साथ में नेक पे ऐसी लेस लगी हुई है, और इसके एंड पे कुछ भी नहीं है, तो फ्रॉक है। और इसके साथ सिर्फ यही था, दुपट्टा अलग से मैंने इसका ऐसा मैच किया है वाइट में, ऑफ वाइट में, और पजामा भी ऐसा ऑफ वाइट में मैच किया मैंने, तो ये पहनेंगे। मैंने अपना ड्रेस पहन लिया है। ओके जी, तो मैंने अपना ड्रेस पहना, मैंने जो है ना ये और साथ में मैंने ये ऑफ वाइट कलर का स्कार्फ मैच किया अपने साथ, और साथ ही ऑफ वाइट जो है वो पजामा ना। तो अलीशा ने भी अपना ड्रेस पहन लिया और कहने लगी आपके जैसे स्कार्फ बांधना है, और इसका स्कार्फ बहुत छोटा था, तो फिर मैंने ये स्कार्फ दिया अलीशा को। और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत
मुन्नी मेरी प्यारी मुन्नी मुन्नी लग रही है। हाँ देख लो जाके। ओके जी, तो अब जुम्मा की नमाज़ पढ़ ली है, कुरान शरीफ भी पढ़ लिया, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। और किचन में मैंने जो आपको दिखाया था 2 दिन पहले कबाब और उसका मसाला बनाया था, तो वो अब रखा हुआ है और वो ख़राब हो, उससे पहले मैंने सोचा कि उसकी कबाब बना के जो है ना मैं वो रख देती हूँ फ्रीज़र में। तो मैंने ये हैक देखा था ना, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं कि मैंने एक थैली के ऊपर ऑयल लगाया और दूसरी थैली उसके ऊपर रख के ना प्लेट से उसको प्रेस किया है, तो वो जो है ना उसका शेप बन रहा है और ज़्यादा पतला भी नहीं किया, थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है। और यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि मैंने थैली कैसे बनाई है। तो ये एक जो दूध टाइप की थैली होती है ना, इसको लिया, नीचे से उसका काट दिया जहाँ से वो बंद होती है, उसके बाद इसके 2 पीस किए और उसके बाद साइडों से भी इसको काट दिया, तो यहाँ पे जो है ना एक थैली के 4 पीसेस बन जाएंगे। तो एक पीस को रखेंगे, फिर उसके ऊपर एक कबाब रखेंगे, फिर एक पीस रखेंगे, फिर उसके ऊपर एक कबाब रखेंगे। इस तरह से जो है ना थैली से क्या होगा कि कबाब एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये होगा एक थैली के 4 पीस। तो ये मैंने सोचा कि चलो आपको दिखाती हूँ। और ये आज हमने बनाए थे इफ्तारी में आलू वाली अखनी, और ये बहुत टेस्टी बनती है, और इसको आलू वाला पुलाव भी कहते हैं, कुछ लोग तहरी भी कहते हैं। ओके जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ा सा बाहर आए हैं, क्योंकि अलीशा ने जो है ना पिछले 1 हफ्ते से दिमाग ख़राब किया हुआ है कि बाहर लेके चलो कुछ दिलाओ कुछ दिलाओ कुछ दिलाओ क्रेटवाइस में, और उसको कुछ दिलाया नहीं था 2-3 वीक्स से। तो हस्बैंड मंडे से कहते हैं हाँ आज चलेंगे आज चलेंगे, आज जो है वो फ्राइडे हो गया और जो है ना उसने कभी आज तो जाना ही जाना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इफ्तारी की, फिर हमने चाय पी, हम लोग रेस्ट कर रहे थे, दैन फिर हम लोग निकले। तो ये लोग पैदल ही जा रहे थे तीनों, बच्चे और हस्बैंड, लेकिन जैसे ही बाहर निकले तो रेन होने लगी है, तो इन्होंने कभी गाड़ी में जाते हैं, और फिर मेरा भी दिमाग खाना शुरू कर दिया कि भाई चलो। तो मैंने कहा जब मैं गाड़ी में बैठूंगी आप लोग जाके ले आना, तो वही हुआ है अभी कि ये लोग गए और मैं गाड़ी में बैठी हूँ, और आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। तो आज जो है वो जुम्मा था, मगरिब हो गई है तो दिन भी चेंज हो जाता है, जुम्मा था और जुम्मतुल विदा था, रमज़ान जो है वो जा रहा है, और एक अजीब सा दिल हो रहा है कि इस दफ़ा का रमज़ान जो है ना वो बहुत स्पेशल था, मतलब अलग ही फीलिंग थी उसमें। मतलब हमेशा ही अच्छा होता है रमज़ान, स्पेशल होता है, लेकिन इस दफ़ा मेरे साथ कुछ स्पेशल ही हुआ है कि मुझे बस एक इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे लिए वो था, ये ना कि बात बात पे बस हर चीज़ पे इमोशनल हुई जा रही थी। इमोशनल मीन्स ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है इस वजह से मैं इमोशनल हो रही हूँ या कुछ प्रॉब्लम है, नहीं, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बहुत जो है ना करम किया हुआ है, हर चीज़ है सही है, नॉर्मल खाते हैं पीते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र है जो भी है उसमें खुश है। और दूसरा ये है कि अल्लाह ने सबसे बड़ी बात ये कि कोई बीमारी नहीं दी हुई है, तो उसका हम ज़्यादा जो है ना शुक्र अदा करते हैं कि भाई बीमारी जो है ना वो बहुत बुरा हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस बात पे हम इतना ज़्यादा बस इमोशनल हो रही थी जब से रमज़ान शुरू हुआ। एक तो होता है ना पहले भी हम इमोशनल होते जब रमज़ान जाने लगता था और जुम्मतुल विदा आता था, लास्ट के 2-3 डेज बचते थे तब हम इमोशनल हो जाते थे कि यार चलो अब रमज़ान जा रहा है और इंशाल्लाह फिर आएगा फिर हम रोज़े रखेंगे, लेकिन इस दफ़ा बस एक अलग ही था। कुरान शरीफ पढ़ते पढ़ते एकदम रोना आ जाता था, और मतलब खुशी से रोना आ जाया करता था कि यार ये सब चीज़ें नसीब हो रही हैं हमको, और समटाइम्स कोई बयान सुनते सुनते रोना आ जा रहा था, समटाइम्स जो है नमाज में रोना आ जा रहा था, और दुआएं करते वक्त रोना आ जाता था। तो फिर ये भी सोचा कि यार कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वैसे ही अल्लाह मियाँ को पसंद है कि बंदा अगर रो कर दुआ मांगे, रो कर फरियाद करे, तो वो और ज़्यादा अल्लाह मियाँ को पसंद है। तो आप बारिश देखें कितनी तेज़ हो रही है, तो ये सब हो रहा था, और बस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ये रमज़ान रहा है मेरे लिए, और सबसे ज़्यादा स्पेशल रहा है, मतलब एक अलग ही जो है ना
हो रहा है। वैसे तो हर मुसलमान के लिए ये जो है ना बहुत पाक महीना होता है, बहुत अटैचमेंट होती है, लेकिन सच बताऊं कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये रमज़ान देखना नसीब फरमाया, मुझे रोज़े रखना नसीब फरमाए, पांच वक्त की नमाज़, और बस यही दुआ करती जा रही हूँ कि अल्लाह मियाँ रमज़ान के बाद भी इसी तरीके से मैं पांच वक्त की नमाज़ पढ़ती रहूँ। हम जितने भी लोग हैं रोज़े रखे नमाज़ पढ़ रहे, वो इसी तरह से पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ते रहें, रोज़े रखें और जो है ना वो इबादत करें, क्योंकि रमज़ान के बाद ऐसा हो जाता है कि हम जो है वो इन चीज़ों से दूर होने लग जाते हैं, फिर से फिर हम वही दो टाइम तीन टाइम चार टाइम की नमाज़ पे आ जाते हैं। और तो बस यही दुआ कर रही हूँ कि जो है ना यार ये चीज़ ना हो और फिर से हम जो है ना वो पांच वक्त की नमाज़ पे रहें और अल्लाह हमें तौफीक दे कि भाई हम जिस तरह के नेक इस महीने में बन जाते हैं ना उस तरह से नेक हम हर महीने पूरा साल रहें, तो ये होना चाहिए। तो मैं बस जो है ना सुबह से बस कामों में लगी हुई थी। आज तो खैर इफ्तारी का मैंने कुछ बनाया ही नहीं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि बस आलू वाला पुलाव बना लिया था मैंने, तो मैंने आज खाने में कुछ बनाया ही नहीं क्योंकि बच्चे जो है ना खाते नहीं हैं और इफ्तारी वगैरह हस्बैंड भी खाते, तो अब मैंने जो है ना सोचा है कि जो है ना खाना ही बनाऊँगी ना, तो ये है। तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मेरा रमज़ान जो है वो कैसा गुजरा है, और आप लोग भी शेयर कीजिएगा मेरे साथ कॉमेंट में और कि ना आप लोगों का कैसा गुजरा रमज़ान। रमज़ान तो गुज़रता ही अच्छा है, बल्कि और इंसानों को और लोगों को अच्छा बना देता है, और जो है ना वो जो लोग बुरे काम कर रहे होते हैं उनको भी वो हो जाता है कि हाँ यार ये महीना है और इस महीने का हम लोग जो है ना मान रख लेते हैं, ये भी हो जाता है। बस यही दुआ है कि जो लोग बीमार हैं उनको शिफा मिले, जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़ी मिले, और जिनके यहाँ जो भी प्रॉब्लम है जो भी मुश्किल है जिसकी है ना वो आसान हो, और बस यही दुआ है मेरी ना। और बस यही मैंने कहा चलो आज मैं ना बताती हूँ कि वैसे मैं इतनी ज़्यादा वो बात नहीं करती हूँ ब्लॉग में डीप बातें, लेकिन पता नहीं ये रमज़ान मैं मम्मी को भी अपनी बता रही थी कि मैं इस रमज़ान में एक अलग ही कुछ है, पता नहीं क्या है कि मैं बात बात पर इमोशनल हुई जा रही हूँ, और अभी मैं आपको बात बता रही हूँ मैं अभी भी इमोशनल टाइप फील कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा फील है, बुरा फील नहीं है, बहुत अच्छा फील है कि यार बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि ये सब नसीब हो रहा है, और इंशाल्लाह अगले साल भी हमें रमज़ान नसीब हो, हम रोज़े रखें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ये भी दुआ करती हूँ कि हमें मदीना और मक्का देखना भी नसीब हो। तो ये है, और बस ज़्यादा लंबा नहीं करते, और ये सारी दुआएं जो है वो मैंने बताई कि मैं ये सब मांगती रहती हूँ और सब कुछ जो है, तो ये सब है। और बस अब दो तीन दिन रह गए हैं, आज 26वां रोज़ा था और बस चार रोज़े रह गए हैं, उसके बाद रमज़ान जो है वो चला जाएगा, ईद आ जाएगी, ईद गुजर जाएगी, फिर बकरा ईद आ जाएगी, टाइम का तो पता ही नहीं चलता, 25-26 रोज़े ऐसे ही गुजर गए और बिल्कुल नहीं पता चलता। और मैंने पता एक चीज़ भी नोटिस की, मैं एक और बात बताऊँ मैं आपको, कि समटाइम्स ऐसा होता है ना, जैसे पहले भी रमज़ानों में मेरे साथ ऐसा होता था कि यार शुरू में हम बड़े जोश और खरोश से ना रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रोज़े गुजर रहे होते हैं ना तो वहाँ पर हमारी जो है ना एनर्जी लो होना शुरू हो जाती है, कि हिम्मत ख़त्म हो रही होती है, लो हो रही होती है, लेकिन इस रमज़ान में मुझे एक अलग सी एनर्जी फील हुई है। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं थकती नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ काम करके, पता नहीं मुझसे ज़्यादा शायद औरतें ना थकती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा थक जाती हूँ, और इस दफ़ा मैं थकती थी, लेटती थी, रेस्ट करती थी, लेकिन फिर नए दिन रोज़ा रखने की एक हिम्मत खुद ही मिलती थी, काम करने की एक हिम्मत खुद ही मिलती थी, ये नहीं होता था कि यार हिम्मत नहीं हो रही, मैं ये नहीं कर रही, सब कुछ कर रही थी, साथ में काम भी कर रही थी, घर के सफाइयाँ भी चल रही थी, व्लॉग्स भी कर रही थी। और इस दफ़ा तो मैंने 30 डेज व्लॉग किए, मुझे हैरत हो रही थी कि यार मैंने जो है ना अभी अभी तो खैर 30 डेज पूरे नहीं हुए, लेकिन उससे पहले से ही मैंने रेगुलर व्लॉग शुरू कर दिए थे, और जब से मैं घर की सफाइयाँ कर रही थी तब से ही, तो ये भी चीज़ मैंने नोटिस की कि यार जो हिम्मत आपको मिल रही है, यार आपको रोज़ा रखने की हिम्मत मिलना शुरू हो जाती है, अल्लाह आपको हिम्मत देता है, काम करने की हिम्मत देता है, अल्लाह भी जानता है कि भाई इसके ऊपर इतना बोझ नहीं डालना क्योंकि बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैं ऐसी हूँ मैं थक जाती हूँ, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, मैं काम नहीं करूँगी ना तो यार अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, मैं थक जाऊँगी, लेकिन जब मैं काम करने पर आती हूँ ना मैं इतनी चीज़ें साथ निकाल लेती हूँ कि मैं थक के चूर हो जाती हूँ, गिर जाती हूँ, और फिर मुझे होता है यार मैंने इतना काम क्यों निकाल लिया अपने सर पर ना। तो
ये होता है मेरे साथ, लेकिन अल्लाह बहुत हिम्मत देने वाला है, अल्लाह बहुत हिम्मत देता है, बहुत हिम्मत देता है, बहुत हिम्मत देता है। और बस मैं अल्लाह मियाँ से यही दुआ करती रहती हूँ, अल्लाह पाक हिम्मत देते रहें, और जो है ना बाकी दुआएं जो मैंने आपको बताएँगे बस यही सब, कि बहुत हिम्मत देता है अल्लाह मियाँ रोज़े रखने की, आगे बढ़ने की, और बस यही सब कहना चाहूँगी। और बहुत ज़्यादा लंबी बात होगी, 8 मिनट हो गए, मैं बोलती जा रही हूँ, बोलती जाती हूँ, बोलती जा रही हूँ, 8.5 मिनट की वीडियो बन गई है। तो खैर ये है, और बस अब जो है ना वेट करती हूँ, ये लोग आए तो फिर घर चलते हैं।